मनोहरलाल खट्टर साहब भी मारे भरके हो रहे हैं। इब तो वह भी बेरोजगार हो रहे हैं, इब तो बेरोजगारी का दर्द समझ सके हैं। आप देख सकते हैं करनाल में आज बेरोजगारों की बारात जो है वो निकाली जा रही है। तमाम वो युवा है वो बेरोजगार है जिनको अब तक नौकरियां नहीं मिली है और एक एक दो दो साल जो है वो हो चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पूरी जो है भारी संख्या में पूरे हरियाणा भर से तमाम जिलों से ये लोग यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आप आए हैं और क्या मांग रहे हैं? मैडम, हम हरियाणा के कोने कोने से, गाँव से, देहात से, शहर से, कस्बे से हजारों की संख्या में आज बेरोजगार, वो चाहे सीईटी वाले हैं, चाहे वो टीजीटी वाले हैं, चाहे वो ग्रुप डी वाले हैं, जो जिनका रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए ग्रुप सी के सारे हरियाणा के कोने कोने से करनाल में पहुंचे हैं। ये सीएम सिटी पहले पूर्व के सीएम की भी सिटी दी है और अभी जो वर्तमान में सीएम है वो भी आज से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी भी सिटी, तो उनको हम चेतावनी, उनसे हम अनुरोध करना चाहते हैं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें हमारे रोजगार दो, हमारे रिजल्ट दो, हमारी भर्तियों को कोर्ट से बाहर निकालो। देखिए और भी लोग हैं सर, क्या लगता है जो बारात आज निकाली जा रही है कुछ असर पड़ेगा, कुछ आपकी मांगे पूरी होंगी? आपको एक बात याद दिला देता हूँ, कुछ टाइम पहले भी रोहतक के अंदर बेरोजगारों की बारात निकली थी, उस टाइम नवीन जैन जी ने आवाज उठाई थी, सीईटी क्वालिफाई उसमें भी इश्यू था, तो क्या हुआ था, सीईटी क्वालिफाई करना पड़ा और 50,000 नौकरियां निकली थी। याद होगा आपको रोहतक के अंदर सबसे बड़ी बेरोजगारों की बारात निकली थी, हम उस समय भी वहां पे थे और करनाल में भी हम पहुंचे और करनाल में हम पहुंचे हैं। अब भी हजारों की तादाद में आप देख रहे हो कि पूरे के पूरा रोड भरा पड़ा है। ये क्यों भरा पड़ा है? ये दर्द का भरा पड़ा है जी। दर्द का इसलिए क्योंकि ये सीएम बदलते हैं लेकिन इनकी नीयत और नीति है ना वो बराबर रहती है। पिछले कई सालों से आप देख रहे हो, तीन चार साल हो गए हम कोचिंग लेके थक चुके हैं, मैम घर वालों से पैसे लेके थक चुके हैं, लेकिन हमारी हालात जो की तो है वो क्यों है? हमें इसीलिए ही आवाज़ उठाने के लिए सड़क पे आए हैं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था हमें खुद करना पड़ रहा है। सर विपक्ष का काम क्या होता है? जब सरकार अपनी हरकतों पर आ रही हो तो विपक्ष का काम होता है कि जनता की आवाज़ उठाए, लेकिन विपक्ष हमें नाराज दिखाई दे रहा है और पक्ष हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा है। तो जब तक हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी इसी तरीके से बेरोजगारों की बारात हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर शहर में निकलती रहेगी, क्योंकि ये बच्चे मेहनत करके इन्होंने एग्जाम पास किए हैं, मेहनत करके इन्होंने कोचिंग ली है, घर पे का कमाई का नूह की कमाई का पैसा फूक के इन्होंने कोचिंग ले रखी है। जब ये हालात है तो हमें इस पर उतरना पड़ेगा और जरूर जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी और इसी तरीके से हम सड़क पर उतरते रहेंगे। सर आने वाले समय में चुनाव है, लगता है कोई असर पड़ेगा इस बारे में? सरकार यदि 23 अप्रैल को हमारी सुनवाई अच्छे से नहीं करती कोर्ट में, हमारी भर्ती कोर्ट से बाहर नहीं निकालती, अब तक तो हम सरकार के विरोध में नहीं है, हमारा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है, लेकिन यदि सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो शायद हम सरकार के फिर विरोध में आ जाएंगे। बिल्कुल, फिलहाल आप देख सकते हैं कि आज जो है करनाल में बेरोजगारों की बारात निकाली जा रही है। अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितनी दूर तक जो है तमाम सेहरा बांधे हुए, एक दूल्हा नहीं कई दूल्हे जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये बारात फिलहाल करनाल के बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं कि मेन बाजार के नजदीक पहुंचने वाली है। करनाल के करनताल पार्क से निकलकर आगे जो है ये चल रही है। मनोहरलाल खट्टर साहब भी मारे भरके हो रहे हैं, इब तो वह भी बेरोजगार हो रहे हैं, इब तो बेरोजगारी का दर्द समझ सके हैं। अरे इन्हें नहीं नहीं नौकरी मिली है नायब सिंह सैनी साहब ने, इन्हें ये पता नहीं, ये समझ सके हैं कि भाई खुशी का आलम क्या होता है? तो दोनों के लिए अनुभव साझा करने का बहुत अच्छा वक्त है कि खट्टर साहब बेरोजगारी का दर्द बताए, नायब सिंह सैनी खुशी का असर बताए और इससे समाधान हमारा बेरोजगारों का निकल जाएगा। चलिए फिलहाल आपको ये बारात दिखाते हैं जो आज जो है निकल रही है करनाल से और समझने वाली बात है कि क्या ये बारात जो है किस तरीके से अपने मुकाम तक पहुंचती है या नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो ये बारात है वो किस तरीके से आज करनाल की सड़कों पर बैंड बाजे के साथ जो है आपको दिखाई देगी। एक तरह